आज अपन भूगोल की क्लास में अपन ने पहला लेसन मानव भूगोल की प्रकृति में विषय क्षेत्र पढ़ लिया था। अब अपन सेकंड लेसन है अपना विश्व के प्रमुख जनजाति। अब विश्व की प्रमुख जनजातियां नाम है इसका, तो एक बार अपन थोड़ा रीति रिवाजों
सांस्कृतिक सांस्कृतिक परंपराओं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यह तो होगी जनजातियां। अब ये जनजातियां आपको अपने इस लेसन में मैंने अभी बताया, ये जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं। अब उनके वो क्षेत्र में कौन कौन से जनजाति निवास करती है यह भी अपन को याद रखना है। कई बार छोटे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है। विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन से, अब एक शब्द को आप लिख लो क्षेत्र और दूसरी तरफ है जनजातियां। इनके नाम अब जैसे पहला नंबर है, यह दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर आम जनसंख्या नहीं रहती वहां पर ये निवास करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब है ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र इसमें कौन सी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, एक तो है एस्किमो, एस्किमो जनजाति और दूसरी है सेमोयार्स, सेमोयार्स और इसमें आपको जागरूक दोनों को नाम जरूर याद रखना, ठीक है। अब दूसरा है विश्व त्रेकीय क्षेत्र, विश्व त्रेकीय क्षेत्र इसमें कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, विश्व त्रेकीय क्षेत्र या सघन वन भी कह सकते हो, इसमें है पिग्मी सेमा, पिग्मी और सेमा और जनजाति, ठीक है। तीसरा है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में है। इसमें कौन सी निवास करती है, बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति ये लिख लेना आपने कॉपी में जिससे याद करने में आसानी रहेगी। अभी मैं ऊपर के मिटा रही हूं, यहां लिख देती हूँ मैं। अब चौथा है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, घास क्षेत्र इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, इसमें मसाई व बद्दू, मसाई व बद्दू, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं आपको इनमें से। अब आगे है पांचवा, पांचवा है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, समशीतोष्ण
गड्डी बन रही है घास क्षेत्र, घास क्षेत्र इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, इसमें किर्गिज। ठीक है, अब चढ़ता है दुर्गम पहाड़ी में पठारी क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी है पठारी क्षेत्र, इसमें कौन सी भील गौंड जनजाति। ठीक है, अब ये छह क्षेत्र हैं तुम्हारे, भील गौंड इसमें ये भी लिख सकते हो मीना नागा, मीना नागा। ठीक है, अब ये छह क्षेत्र हैं आपके, जैसे छोटे क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं परीक्षा में भी, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ध्रुवीय क्षेत्रीय क्षेत्रों में जो निवास करते हैं उन जनजातियों के नाम बताओ, या जैसे ये एस्किमो सेमियान या इन जनजातियों में से किसी एक का नाम दे देगा, यह जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है, ऑप्शन दे देगा ध्रुवीय क्षेत्र, विषुवतरेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र, तो आपको उनमें से ऑप्शन छांटना है। ठीक है, एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं नंबरों के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको ये चीजें एक एक करके पढ़ते चलोगे तो साथ ही साथ याद हो जाएंगी। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको ये कटिबंध मैंने 11th में भी पढ़ाए थे आपके ध्यान होंगे, तो उनके क्षेत्रों के आधार पे अपन आगे जब इनका वर्णन इन जनजातियों का पढ़ेंगे तो आपको मैं आपके द्वारा मैं बता दूंगी कि कौन सी जनजाति कहां निवास करती। अब ये छह प्रकार के क्षेत्र दे रखे हैं, इसमें ये अलग अलग प्रकार की जनजातियां बताई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये तो सिर्फ जनजातियों के नाम है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ चार जनजातियों का अध्ययन दिया है, वो चार जनजातियां कौन कौन सी हैं? मैं इसमें एक बार ये एस्किमो गोला करती हूँ, बुशमैन, भील और गोंग, ये चार जनजातियों का अध्ययन अपन को करना है, नाम इनके सभी की याद रखने हैं आपको, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे अब देखो ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो सेमियान और यापू, तो आसानी से याद हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में पिग्मी सेमियान हो सकता है, उष्णकटिबंधीय काला अधिवक्षस्थल में अफ्रीका में है इसमें सिर्फ एक जनजाति रहती है बुशमैन, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र मसाई का वर्ग, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र में किर्गिज, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भील गौंड मीना नागा, इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ तक आपके आ गया वो समझ में, इसके आगे मैंने बता दिया अपन को इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ चार जनजातियों का वर्णन करना है। अब ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, इन जनजातियों में अपन किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, जैसे देखो एक बार दो प्रकार चार जनजातियों का वर्णन करना है, कौन कौन सी मैंने अभी बताई आपको, एस्किमो और बुशमैन। ठीक है, ये सारी जनजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। ठीक है,
इनकी शारीरिक बनावट क्या है, इनका आर्थिक क्षेत्र क्या है, मतलब इसके उद्योग धंधे क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, किन क्षेत्रों में यह निवास करती हैं, समाज इनका समाज क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति का मतलब है इनके रीति रिवाज क्या है, किस देवता को ये मानते हैं, और वातावरण समायोजन कि वातावरण के साथ ये कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ये चार पांच पॉइंट इनमें सभी में ही आएंगे, लेकिन एस्किमो और बुश में जनजाति जो है इनमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि आधुनिक संस्कृति का इनमें क्या प्रभाव पड़ा है, जो आधुनिक भाग जैसे विश्व में जैसे ये तो जनजातियां हैं और मानव ने तो विकास खूब किया है, जनजातियों का तो मतलब यही है ना कि विकास ने हमें दिखा है, बिल्कुल विकास नहीं किया है, लेकिन मानव ने जो विकास किया है उनका इन पर क्या असर हो रहा है। तो इन सब पॉइंटों का आप एक बार नोट कर लो, ये पॉइंट चाहे वो कि किन किन का आप अपना अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र, दूसरा है इनके आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, तीसरा है इसके समाज और संस्कृति, चौथा है समाज व संस्कृति, चौथा है वातावरण से समायोजन, वातावरण से समायोजन। और इन दोनों जनजातियों में एक जो अगला पॉइंट है वो क्या है, आधुनिक संस्कृति का इन पे क्या प्रभाव पड़ा है, या आधुनिक वातावरण का इन पे क्या प्रभाव पड़ा है, इनका अध्ययन अपन करेंगे। आधुनिक संस्कृति का ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जनजातियों में ही, इनमें सिर्फ और इन दोनों जनजातियों में ये चारों पॉइंटों का अध्ययन अपन करेंगे। निवास क्षेत्र इनके क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप में कि ये काम धंधे क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए ये किस प्रकार से भरण पोषण करते हैं, क्या काम धंधे करते हैं, उनमें क्या औजार काम में लेते हैं, समाज इनका किस प्रकार का है, संस्कृति का मतलब कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से देवता को मानते हैं, वातावरण से ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो वहाँ इतनी ठंड में किस प्रकार से समायोजन करते हैं, या अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं, या शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं तो ये किस प्रकार से वो एडजस्ट करते हैं, आधुनिक संस्कृति का इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सब पॉइंटों का अध्ययन अपन करेंगे। अब ये जनजातियों का एक एक का अपन वर्णन करेंगे, ये आप सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर ही वर्णन करना पड़ेगा। कई बार आपसे जैसे आपके परीक्षा की दृष्टि से देखें तो कई बार ऐसे पूछ ले जा रहे हैं, एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, या दो पॉइंट दे देगा, बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप या समाज व संस्कृति का वर्णन कीजिए, या ये दो पॉइंट दे दिया आर्थिक क्रियाकलाप और समाज व संस्कृति, तो इनमें ये कह देगा एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति का तुलना